सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। सो ये वीडियो बेसिकली ड्रोन हैक, DJI का जो ड्रोन मार्केट में अवेलेबल है उनके अंदर जो 15 मीटर वाला प्रॉब्लम आ रहा है, 15 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर ड्रोन नहीं जाएगा, ये वाला जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ आज मैं। आज से 3-4 दिन पहले सेम टॉपिक पे मैं एक वीडियो अपने चैनल पे बनाया था, लेकिन वो वाला मेथड iOS डिवाइस में ही सिर्फ काम कर रहा है, इसीलिए एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर कैसे ये 15 मीटर हैक काम करेगा इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है। तो और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते, तो आप वीडियो अंत तक देखते रहिए ध्यान से। तो सबसे पहले बता दूं कि आप अपना ड्रोन और RC को फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लीजिए और प्ले स्टोर में जाके ये रेनबो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इस ऐप के अंदर जाके जो परमिशन मांगेगा उन सबको अलाउ कर दो। फिर राइट ऊपर कॉर्नर में जाके जो ड्रॉप डाउन बटन है उसके अंदर जाके आपके पास जो ड्रोन है उसको सिलेक्ट कर लो। फिर नीचे कनेक्ट ड्रोन करके जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके एंटर कैमरा व्यू पे जाना है। फिर आपका रेनबो ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद राइट ऊपर कॉर्नर में सेटिंग्स का बटन है उसको क्लिक करके लेफ्ट ऊपर कैमरा बटन उस पर क्लिक करना है। फिर नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन है वो आप पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए DJI फ्लाई ऐप के अंदर जो जीमेल आईडी और पासवर्ड डाला था वही सेम यहाँ पे डालना है, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। फिलहाल एंड्रॉयड फ़ोन के लिए यही एक ऐप है जिसको यूज़ करके आप अपना 15 मीटर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी भी एक सेटिंग्स बाकी है जो आप लोगों को करना है। इसके लिए आपको फिर से सेटिंग्स में जाना होगा, फिर एयरक्राफ्ट वाले ऑप्शन पर आना होगा। उसके बाद राइट नीचे मैक्स एल्टीट्यूड पर जाके मैनुअली आपको यहाँ पर 500 सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डन कर दीजिए। फिर सेट मैक्स हाइट पे क्लिक करके ओके कर दो। फिर देखो यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपका जो प्रॉब्लम था उसका सलूशन हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि अपना ड्रोन 15 मीटर के ऊपर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्टीट्यूड जो है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, 26-27 करके अभी 30 है तो 40 पे पहुँच गया, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो देखिए अभी अपना ड्रोन जो है 100 मीटर के ऊपर पहुंच गया, इसका मतलब अपना हैक काम कर रहा है। और अगर आप हमारा वीडियो पूरा देखे हो तो इतना उम्मीद है कि आपका भी प्रॉब्लम का सलूशन हो गया होगा। लेकिन अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपका सलूशन हो गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।